मैं दिन रात एक ही चीज सोचता था, ढांचे को तोड़ना कैसे। मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया। मैं शाम को अयोध्या गया, माँ सरयू के तट पर बैठकर हंसता रहा और खिलखिलाता रहा, पर रोता भी रहा कि इतना बड़ा काम मुझे करना है। फिर एक संत पीछे से आए, उन्होंने मेरे सिर पर ठोकर मारी। मैंने पलट कर देखा तो एक दिव्य संत खड़े थे और उन्होंने कहा, तुम ये चाहते हो? जो मेरे मन में चल रहा था उन्होंने अपने मुँह से उसे कहा। मैं उनके चरणों में लेट गया। उन्होंने कहा, बेटा पहले तू रामलला के दर्शन कर ले, कल आ जा। मैं वहाँ गया, महाराज जी के साथ दर्शन किया। मैंने वहाँ संकल्प लिया, सौगंध खाई कि प्रभु अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, मैंने जो जीवन प्राप्त किया है वो आपकी कृपा है, आज वचन दे के जा रहा हूँ। अब आपके दर्शन करने तब आऊँगा जब इस विवादित ढांचे को, जिसे लोग विवादित ढांचा कहते थे, हमने कहा ये तोड़ने वाले दिन आऊँगा, इसके बीच नहीं आऊँगा। फिर मैं गया भी नहीं। फिर 30 अक्टूबर को जो हुआ, वो सुबह 5 बजे घंटा घड़ियाल ये सब बजे और लोग अकस्मात तेजी से एकदम से बाहर आए, और बाहर आए उसमें फिर काफी जोर आजमाइश होती है। जोर आजमाइश में एक घटना हुई है, बड़ी चमत्कारिक घटना है। वो कौन थे, क्या थे, मुझे आज तक इसका रास्ते नहीं खुला। एक बाबा थे, वो बस में सवार हो गए, अब बस स्टार्ट कर दिया, बस उनको चलाना आता था। अब कौन बाबा थे इसका आज तक रास्ता नहीं खुल पाया। और उन्होंने क्या किया, जो वो लगाया गया था वो बैरियर के ऊपर बस को चढ़ा दिया। अब बैरियर में कितनी ताकत, बस का धक्का हुई और बैरियर टूट गया। And then came the BJP's Brahmastra, I call it, that L.K. Advani became the face of Hindutva and Ram Janmabhoomi, and from the temple Somnath. Again Somnath, if you recall that I said that in 1940s, late 40s, it was a Somnath example which was there for the people in Ayodhya, for VHP, Jansang and others, ki Somnath ban sakta hai to Ayodhya kyun nahi, Mathura aur Banaras kyun nahi. Again it was Somnath where Advani started his yatra, that nationwide yatra where he was going to go. The BJP was now very clear ki ab satta ka rasta Ayodhya aur Ram ke raste jata hai. Rath yatra was passing through Bihar when Lalu Prasad Yadav called an IS officer and said this yatra has to be stopped, and that officer went and arrested L.K. Advani. But a lot of car sevaks managed to come. Advani was arrested, but car sevaks managed to come. देखिए 1990 का जो गोली कांड था उसकी दो तारीखें हैं, 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990। तो 30 अक्टूबर 2 नवंबर को तो सारे कार सेवक आराम से गुंबद तक चले जाते हैं और विजय पताका फहरा के चले जाते हैं। 30 अक्टूबर को चूंकि अयोध्या में कुछ हो नहीं पाया था, तीन जगह छुटपुट फायरिंग के कारण कार सेवकों पर जो लाठियाँ चली थी तो 6-7 लोगों की मौत हो गई थी। उस दिन जो फायरिंग हुई थी अक्टूबर में, उसमें भी गलती किसी की नहीं थी। एक्चुअली तत्कालीन SSP सुभाष जोशी साहब वहाँ उधर से निकल रहे थे, तो उनका ड्राइवर था, उसके पास रिवॉल्वर थी, उसका नाम था सलीम। तो उसको देख के लोग उत्तेजित हो गए कि ये कैसे यहाँ आ गया, और उसको मारने लगे। तो अगर वो उस समय अपनी रक्षा में गोली नहीं चलाता तो शायद वो मार दिया जाता। तो उसके बाद जो है पुलिस ने फायरिंग चालू कर दी। उसके 3 दिन बाद 2 नवंबर को यहीं से छोटी छावनी रघुनाथ मणिराम दास जी की छावनी से एक जुलूस निकला, जिसमें 3-4 हज़ार लोग स्त्री पुरुष सब शामिल थे। जुलूस के आगे आगे मैं चल रहा था, उमा भारती जी, रितंबरा जी, ये सारे लोग थे। लेकिन आगे ये तपसी जी की छावनी में कुछ लोग कट गए और कुछ लोग जयभान सिंह भैया भी थे उस समय जो ग्वालियर से सांसद रहे, फिर आगे जा करके दिगंबर अखाड़ा चौराहे पर वो लोग कट गए, उमा जी चली गई परमहंस जी के यहाँ। हम लोग आगे गए तो वहाँ बैठ गए क्योंकि
पुलिस ने रोक दिया, आगे नहीं जाने देंगे। CRPF और BSF के जवान थे, इंडो तिब्बत सीमा के जवान थे, उन्होंने कहा अब आगे नहीं जाना है। तो मैंने सवाल किया, एक CO अधिक थे, उनसे मैंने पूछा कि हम लोग कोई बवाल करने नहीं जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं और ये सब बाहर के लोग आए हैं। लेकिन एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा जाने नहीं देंगे। फिर देखते ही देखते अनावश्यक इन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमारी आंखों के सामने लगभग 250-300 लोगों की जान चली गई। जिस समय मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को रोकने के लिए गोली चलाई की थी, तब करीब 25,000 पुलिस वाले अयोध्या में थे। 30 अक्टूबर 2 नवंबर को जो कांड हुआ वो हम लोग नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन हो गया। मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। बहुत वो कष्टकारी विषय है। मेरे सबसे प्रिय मित्र भाई रमेश पांडे जी, मेरी आंखों के सामने गोली लगी और ढेर हो गए। राजेंद्र धरिकार की मौत हो गई, मेरे सामने ही वासुदेव जी की मौत हो गई। वो कोठारी बंधु जिन्हें बचाने के लिए शाम को ही मुझे, एक दिन पहले ही शाम को मिले थे यहीं बगल में, हमने उनको देवराम दास जी वेदांति जी के यहाँ साथ में खिचड़ी खिलाई थी। और उन दोनों को बचाने के लिए जब मैं दौड़ा तो मुझे भी गोलियों से भून दिया गया। 4 गोलियाँ लगी थी, एक ये लगी है, एक यहाँ लगी है, सीने में लगी उस पार हो गई, एक हाथ में यहाँ लगी थी जो आकर यहाँ अटक गई थी। तो ऐसा दृश्य भगवान न करें कि किसी के जीवन में आवे, ऐसी कोई फोटोग्राफी करनी पड़े, लेकिन मैंने ऐसी फ़ोटो खींची। मेरे सामने कई कार सेवक गोली से शहीद हुए, तो किसी का सर भेजा गायब हो गया, किसी का कुछ गायब हो गया, बहुत लोकल अयोध्या के भी लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इसे छिपाया गया। सरकारी आंकड़ों में 16 लोग मारे गए थे उसमें करीब, और लोग बहुत बातें कहते हैं लेकिन उसमें कहा नहीं जा सकता क्या था, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा था उसमें मारे गए। लथपथ अवस्था में हमको जिला अस्पताल यहाँ से रेफर कर दिया गया, श्रीराम हॉस्पिटल से। इन्होंने तो रेफर क्या किया, इन्होंने तो मृत्यु घोषित कर दी, पर लोगों ने माना नहीं। लोगों ने कहा इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक ये आदमी मरेगा नहीं। ये कल्पना लोगों के दिमाग में तैरती रही। मुझे जिला अस्पताल ले जाया गया, 4 डॉक्टरों का पैनल मुझे देख रहा था, किसी से मिलने नहीं देते थे। पर वो महाराज जी ब्रह्मचारी जी पहुँचे रात को 1:30-2 बजे के आसपास, और लोगों को हटाते हुए मेरे पास सीधे पहुँचे और उनका बेटे उठ तो चल, तुझे कुछ नहीं हुआ है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मुझे इतना दर्द था कि मैं अर्ध चेतन अवस्था में था। जैसे ही उन्होंने मुझे स्पर्श किया मुझे लगा कि मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैं खड़ा हो गया। डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि जिसे सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके शरीर में ब्लड निकल चुका था, कुछ नहीं रह गया था, वो कैसे चल रहा है। और बिना किसी से कुछ कहे वो बाहर लाए, और शहर में उन दिनों कर्फ्यू लगा था, रिक्शे वाला अकस्मात प्रकट होता है, रिक्शे बैठाते हैं और मेरे घर लाकर छोड़ देते हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी जब दुनिया में नहीं रह गए, अब उनसे कहा कि मैं आपके पुत्र को ले आया हूँ, अब आगे की जिम्मेदारी संभालिएगा, वे ठीक हो जाएगा, अभी इससे बड़ा काम होना है, इसकी आयु 114 वर्ष है, इसको संभालिएगा, इसको खूब दूध और हल्दी पिलाइए, ये कहकर वो निकले चले गए। नॉट वंस बट ट्वाइस व्हेन कार सेवक्स अटेम्प्टेड टू रश टू द मॉस्क टू डिस्ट्रॉय इट, मुलायम सिंह यादव ऑर्डर्ड फायरिंग, एंड इन दैट पीपल वर किल्ड, एंड सिंस पीपल वर किल्ड द राइट विंग पीपल कुड से दैट दीज आर मार्टर्स फॉर अ राम टेम्पल। जो भी कुछ हुआ था तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के आदेश पर हुआ था, ये गोलीकांड बड़ा दुर्दांत कांड था, इसके आगे तो जनरल डायर भी फेल हो जाए। कल्याण सिंह की जब गवर्नमेंट आई जून 1991 में, तो उन्होंने एक गवर्नमेंट का लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत उन्होंने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के सामने के जो मंदिर थे, 3-4 मंदिर थे, मेन था सीता रसोईया, साक्षी गोपाल मंदिर, मानस भवन, ये 3-4 मंदिर खास थे जिसको पूरे को एक्वायर कर लिया 2.77 एकड़ लैंड में। और उन्होंने ये कहा कि ये लैंड यहाँ पर हम टूरिज्म डेवलप करेंगे। अयोध्या के विकास के लिए
इस पर अच्छा बाजार बनेगा, मस्जिद बनेगी, मंदिर बनेगी और हर प्रकार की बिल्डिंग्स बनेगी। इस एक्विजिशन को भी हम लोगों ने चैलेंज कर दिया। हुआ ये कि जब एक्वायर करने के बाद वहाँ पर जमीन जो थी वो ऊबड़ खाबड़ थी, बहुत कुछ टीले बने हुए थे, कुछ ऐसे बने थे, तो कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने 1991 सितंबर में उसका समतलीकरण चालू किया। समतलीकरण का मतलब जमीन को बराबर करने का। तो बराबर करने में बहुत सारे ओल्ड टेम्पल्स के सब स्ट्रक्चर्स के टूटे फूटे हिस्से निकलने लगे। ये एकदम राजनीतिक मुकदमा मामला था। राजनीतिक मामला ये था कि बीजेपी चाहती थी कि प्रेशर बना करके किसी तरह से हम ये लैंड ले लें, यहाँ पर हम अपना मंदिर बनाना शुरू कर रहे हैं, मस्जिद को हटा दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी किसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि बीजेपी को कोई एडवांटेज मिले, तो वो इस बात का पूरा विरोध कर रहे थे कि किसी तरह से हम इसको लैंड को नहीं देंगे बीजेपी को। और इस कॉन्फ्लिक्ट में सरकारी अधिकारी पिस रहे थे। मीटिंग्स होती थी, लगातार मीटिंग होती थी, कभी इंटेलिजेंस की मीटिंग होती थी, कभी आईएएस की मीटिंग होती थी, कभी आईपीएस की मीटिंग होती थी कि किस तरह से इसको बचाया जाए। सतत प्रयास किया, हमारे गुरुदेव जी ने भी किया, कि न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित संदर्भित जो भी सामंजस्यता हो, और अनेकों बार इस प्रकार से मीटिंग भी किए ताकि सौहार्दता प्रथम पृष्ठ में रखते हुए कहीं से खून खराबा ना हो, कोई आपसी द्वंद जो है वो आपस में सौहार्दता संवाद से विवाद का समाधान कैसे हो, इसका प्रयास शुरू से किए। तब मीटिंग में सभी लोग आए, क्योंकि सबकी एक मानसिकता थी कि विद्रोह ना हो और कार्य संपादित हो जाए। उसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी आते थे, सूफी संत आते थे, जिलानी साहब आते थे, ये प्रिंस तुसी अनेकों बार आए, अनेकों बार जिलानी साहब आए, अजमेर शरीफ वर्ल्ड सूफी काउंसिल के चेयरमैन अनेकों बार यहाँ पर आए। इट वॉज नॉट ए केस विच कुड बी सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि हमारी जिद भी थी और हकीकत भी थी कि हम उसको जन्मभूमि मानते हैं और आप कहते हैं कि साहब मस्जिद है, तो दो में से एक को तो हटना पड़ेगा। 1991 में ये घटना बिल्कुल, ये विवाद हल हुआ जा रहा था, बिल्कुल हल होने के नज़दीक था। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये हुआ कि साहब जल्दी ही इसका हल निकल आएगा। दोनों पक्ष को उन्होंने मना लिया था, और जहाँ ढांचा है, विवादित ढांचा है, वहाँ पर मंदिर निर्माण हो जाए और बगल में एक मस्जिद निर्माण कर दी जाए जो दुनिया भर लोग देखने आए, इसमें काफ़ी सहमति बन गई थी। चंद्रशेखर ने काफ़ी काम किया था, लेकिन राजनीति बहुत गहरी चीज़ होती है। यदि ये विवाद हल हो जाता तो मुस्लिम पक्ष के नेता जिनकी राजनीति सिम बल चल रही थी, हिंदू पक्ष के तमाम नेता जिनकी राजनीति सिम चल रही थी, तो फिर वो कैसे चलती। और मीडिएशन वो किस वजह से फेल हो गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि हिंदू पक्ष अपनी पूरी जगह छोड़ दे, और हमारा ये कहना था कि राम जन्मभूमि का कोई दूसरा सानी नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं। मंदिर हम कहीं भी बना सकते हैं, मस्जिद आप कहीं भी बना लो, लेकिन जन्मस्थान सो फार एज जन्मभूमि इज कंसर्न देयर इज नो अदर ऑप्शन। जन्मभूमि का कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि उसी जिस प्रकार से मक्का मदीना का, जिस प्रकार से यरूशलम का कोई विकल्प नहीं, उसी प्रकार से हमारे लिए श्री राम जन्मभूमि का, श्री कृष्ण जन्मभूमि का, काशी विश्वनाथ का कोई विकल्प नहीं है। वो स्थान हमें चाहिए ही चाहिए। वहाँ रेलिवेंस बहुत बड़े मंदिर की नहीं है, वहाँ रेलिवेंस उस स्थान की है, क्योंकि पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है कि उस स्थान के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। The BJP realized that this is now the moment where it can intensify the agitation. And from there, issue came to 1992. नेताओं का मूवमेंट था, ये भी खबर थी कि 5 दिसंबर 1992 में विनय कटियार जी का घर पास में ही है, उस घर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, ये खबरें हैं। एल के आडवाणी जी जैसे लोग उसमें थे, और उन्होंने वहाँ पर हुआ था कि अब गिराई जाएगी। उसी दिन
लखनऊ के एक ग्राउंड में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक भाषण दिया था. ही वॉज कॉल्ड द सेक्युलर फेस ऑफ द बीजेपी, नॉट सो स्ट्राइडेंट हिंदुत्व, मिडिल पाथ. और उसमें उन्होंने भाषण दिया था कि जब लोग पूजा यज्ञ करते हैं तो नुकीले ऑब्जेक्ट्स पे नहीं बैठते हैं, जमीन समतल करनी होती है. ये भाषण था. सो देर वर इंडिकेशंस. 5 दिसंबर 1992 में वो बेगम हजरतमैन पार्क का जो भाषण है वो ऐतिहासिक भाषण है. उन्होंने कहा था कल जो है कंकड़ हटाए जाएंगे, सफाई की जाएगी, अवरोध हटाए जाएंगे. इसीलिए उनको आरोप लगा कि साहब आप सब जानते थे, आप तो कह रहे थे एक दिन पहले कि ये होगा. अब रामलला हम आएंगे, मंदिर बड़े बनाएंगे. उसके बाद एक नारा और तेजी से बदलता है, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो. कार सेवक 4 दिसंबर को वहाँ पर लिखा पड़ी में 5 लाख थे. लोगों ने कहा आप क्या होगा. हमने कहा सर आप बचा सकते हैं तो अभी रोक दीजिए, खत्म कर दीजिए, नहीं तो नहीं बचेगा नहीं. मेरे पापा वाली साहब नगर निगम नगर पालिका, आज नगर निगम हो गया, नगर पालिका में सर्विस करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं. तो उनके संबंध और दोस्ती, चूँकि एक यूनियन के लीडर थे उस वक्त यूनियन संघ के, और वो भी संघ से अटैच था, तो संघ के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनसे भी पापा की बहुत अच्छी दोस्ती थी. फिर बुलाए उन्होंने, पापा से कहा कि कारसुखपुर में मीटिंग चल रही है. मीटिंग से जैसे निकले पापा को बुलाए कि नेताजी आप मेरे अपने खास हैं, आप किसी भी तरह से अपने बच्चों को और खुद हट जाइए, अब की अयोध्या में कुछ बचेगा नहीं. कल्याण सिंह ने एक एफिडेविट दिया अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया कि साहब हम रक्षा करेंगे और यहाँ कोई घटना नहीं होगी. और ये एफिडेविट, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये एफिडेविट जो है ये बाकायदे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से, संघ के नेताओं से विचार विमर्श के बाद दिया गया था. और ये निश्चित थे, वहाँ तैयारियाँ हो रही थी कि इस बार वापस नहीं जाएंगे, कई बार वापस लौट चुके थे. और कल्याण सिंह जी को भी लगता था कि साहब मतलब हो जाएगा, कार सेवा प्रतीकात्मक हो जाएगी, उसके बाद सब लोग चले जाएंगे. देखिए सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थी, और स्टेट गवर्नमेंट पूरी सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रही थी. एवरी वीक कोई ना कोई मीटिंग होती थी, ये डिसीजन लिया गया, ये डिसीजन लिया गया, यहाँ बैरिकेड बनेंगे, यहाँ दीवार बनेगी, यहाँ से लोग जाएंगे. अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी समूह जो आ गया था वहाँ पे, यानी आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ, गोरखपुर और अगल बगल के सारे जिलों पे कार सेवकों को रोक दिया गया था कि अब इससे आगे अयोध्या नहीं जा सकता कोई. बंद कर दी गई थी, बसें बंद कर दी गई थी, अयोध्या में कर्फ्यू था. लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि साहब कुछ लोग सड़क मार्ग से जा रहे हैं, वो खेत के मार्ग से जा रहे हैं. और मैं गया था खेतों में, देखा तो देखा वो लाइन तर है, पता नहीं लोग उनको सूचना नहीं दे रहे सरकार को, और वो जा करके वहीं पर अयोध्या के भीतर बैठ गए जाके. मैंने बताया कि करीब 200 IPS ऑफिसर की ड्यूटी दी गई. पूरे स्टेट से 28 तारीख से मूवमेंट चालू कर दिया गया कि वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बुला के IPS ऑफिसर्स को वहाँ भेजा गया. 4,000 के करीब पुलिस कॉन्स्टेबल्स थे. मैं देख रहा था लिस्ट जो कॉन्स्टेबल्स की ड्यूटी लगी थी, उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ पे. पूरे अयोध्या के क्षेत्र को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया था. हर सेक्टर में एक IAS ऑफिसर होता था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और एक IPS ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए होता था. उसके अलावा सब कॉन्स्टेबल्स और DYSP और इंस्पेक्टर्स और ये और वो सब चारों सब लगाए जाते थे. उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय वायरलेस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ वॉकी टॉकी ही था. और कंट्रोल रूम बनाया गया था जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, उससे मुश्किल से 70 मीटर की दूरी पर सीता रसोई. सीता रसोई में कंट्रोल रूम बनाया गया था जहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाता था, वाकी टाकी से मूवमेंट देखे जा रहे थे. अयोध्या में डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को घने कटीले तार से घेरा गया था,
उसको कहते थे आइसोलेशन कॉर्डन, तीन कॉर्डन बनाए गए थे। उसके बाद एक कॉर्डन बनाया गया था जिसको कहते थे इनर कॉर्डन, और फिर जो दूसरा पूरे अयोध्या में फैला दिया गया था वो था आउटर कॉर्डन। तो ये तीन कॉर्डन बनाए गए थे। आइसोलेशन कॉर्डन में सीआरपीएफ की ड्यूटी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनकी ड्यूटी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कार सेवक जाएंगे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के बाहर, यानी आइसोलेशन कॉर्डन के ठीक बाहर। चबूतरा जो बना था, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था 91 में, जो प्लेटफॉर्म बन गया था उसको धोएंगे और वहाँ चले जाएंगे। तो पूरी मूवमेंट की व्यवस्था की गई थी कि किस रास्ते से कार सेवक आएंगे, कैसे जाएंगे, सरजू नदी जाएंगे, सरजू नदी से पानी लाएंगे, यानी तो बेवकूफ़ी का था। तो अब हम जुडिशरी के ऊपर कोई कमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब आप जुडिशरी का ऑर्डर करें कि वहाँ से सरजू से पानी लाइए और चबूतरा धो करके आप चले आइए, आंध्रा से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था कि इस तरह से कोई मान जाता। गर्भगृह के अंदर सीआरपीएफ की ड्यूटी थी, सीआरपीएफ गार्ड करती थी। हम लोग जो हैं केवल सुपरवाइज करने जा सकते थे, हमारे किसी भी कर्मचारी को अपनी राइफल भी ले जाने का आदेश नहीं था, मतलब वो रोक लेते थे कि खाली आ जाइए अंदर। तो हमने फिर सुबह सुबह कहा था 6 बजे सीआरपीएफ वालों से कि आज आप लोगों को गोली चलानी पड़ सकती है, तो वो बोले कि राम राम कहो तो आप गोली वोली नहीं चलाएंगे हम लोग। द 6th of December वॉज द कैटाक्लिज्मिक डे when which we'll say the earth shook, because never before in the history of this country has there been an act like this. देखिए 6 दिसंबर 92 की जो घटना थी वो सुबह लगभग 8 बजे से शुरू हो गई थी, और तमाम लाखों कार सेवक उसी विवादित परिसर के इर्द गिर्द मौजूद थे, और उसके सामने जो है रामकथा कुंज एक पार्क था और छत थी, उसके ऊपर जो है सारे दिग्गज नेता आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, अशोक सिंघल जी और तमाम जितने भी रितंबरा जी, ये जितने भी बड़े नेता थे सब वहाँ मौजूद थे, उनके सामने ही घटनाएं घट रही थी। विजय राजे सिंधिया आई और सारे नेता वहाँ इकट्ठे हो गए आकर के, वो रामकथा कुंज वहाँ से डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर से टहल के फिर रामकथा कुंज में चले गए। उमा भारती, रितंबरा, ये सब सारे थे। इन लोगों ने वहाँ पर मीटिंग शुरू कर दी, और मीटिंग में अपना कि हमको राम मंदिर बनाना है, ये करना है, इस तरह के कुछ भाषण वाषण हो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि किसी को उत्तेजना फैलाने की नीयत से ये मीटिंग हो रहा है। यहाँ के लोग जो मंच बना हुआ था वहाँ से जब ये लोग गए वहाँ की कार सेवा किया जाए, और कार सेवा वहाँ एक चौतरा बना हुआ था पहले का, कहन की सरजू जल से ला करके और इस चौतरे के धो, तो उन लोगों ने जो नवयुवक थे वो बहुत क्रोधित हो गए इनकी इस कहानी से, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कार सेवा के रूप में, इसलिए चलो इसी ढांचा को गिरा दिया जाए। 10 बजे सवेरे से जमावड़ा शुरू हुआ, भजन कीर्तन शुरू हुए, बीजेपी के, वीएचपी के साधु संत जब आने शुरू हुए, करीब 11:30 बजे करीब थोड़ा सा हल्ला शुरू हुआ। एक जत्था आगे आता है और एक गेट पे हमला बोलता है, पुलिस उन पे थोड़ा सा लाठी चार्ज करती है, लाठी चार्ज करने के बाद देयर इज एब्सोल्यूट मेयहम, एडीएम रामलला थे यहाँ, श्री उमेश तिवारी जी मुझे व्यक्तिगत बहुत मानते थे, उन्होंने कहा अंदर नहीं जाने देंगे, जैसे मैंने तलवार बाहर निकाली वो भाग गए। तो एक आध गेट के ताला तोड़ करके अंदर घुसे लोग, फिर ऊपर चढ़ गए, ऊपर तक जो जीना बना हुआ था गुम्बद तक, और जैसे ही 11:30 बजे वो कांटा फेंका गया, फंस गया, मैं चढ़ा, मेरे साथी भाई रविशंकर जी, बीएस पितामह त्रिपाठी जी दुनिया में नहीं रह गए, ओम प्रकाश शुक्ल जी नहीं रह गए। करीब 11 बजे उनको किसी उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके दे अफसर होते हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने सूचना दी कि साहब कुछ लोग चढ़ गए हैं ढांचे में, कुछ लोग चढ़ गए हैं और वो ढांचा जो है तोड़ने लगे हैं, वो तुरंत भगे नीचे, और उन्होंने डीएम को फ़ोन मिलाया, डीएम से भी बात की। उसके बाद सबसे रोचक बात ये होती है कि प्रधानमंत्री उनको बार बार फ़ोन करते हैं, पहले गृह मंत्री फ़ोन करते हैं,
चौहान साहब, फिर प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, लेकिन ये लाइन में नहीं आते हैं फोन। अब भारत का प्रधानमंत्री फोन करे और वो लाइन में ना आए, एक बड़ी बात है। तो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग जब आगे बढ़ने लगे तो साकेत डिग्री कॉलेज है वहाँ पे कार सेवकों ने जाम कर लिया, उसके आगे उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स को जाने भी नहीं दिया। जो बैरिकेड लगे थे वो कांटे के तार के मोटे मोटे एंगल्स लगे थे चारों तरफ, अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो देखेंगे वो एंगल्स के भी बेस बने हुए हैं। इतने मोटे मोटे एंगल्स में 8 फीट ऊपर लंबे तक कांटे के तार लगे थे और बुरी तरह से कांटे के तार थे। उसको कार सेवकों ने मूली की तरह तोड़ दिया। 40-50 लोग किसी तरह से कूद फाँद करके घायल होने के बावजूद वो लोग मस्जिद के ऊपर पहुंच गए, डोम पे पहुंच गए, और डोम पर पहुंच करके उन्होंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। उस समय तक करीब वहां गैदरिंग 2.5 लाख से 4 लाख लोगों की थी। तो एकदम से जब उन्होंने तोड़ना शुरू किया तो मॉब एकदम फ्रेंजी हो गई। 11:30-12 बजे करीब एक और घटना होती वहां पर है। वो घटना ये होती है कि जो मूर्तियां थी, रामलला की मूर्तियां थी, कुछ लोग उनको उठा करके बाहर ले जाते देखे गए वहां पर। जब तेजी से उन्होंने मूर्ति उठाई और बाहर ले गए तो ये बात समझ में आ गई कि अब इस ढांचे का कोई नहीं बचा सकता। विश्व हिंदू परिषद के कुछ, ये शिवसेना के कुछ और संगठनों के लोग थे जिन लोगों ने इसको तोड़ना शुरू किया। वो मेरे सामने तोड़ा गया, मैं स्वयं वहाँ खड़ा था, हमने मूर्ति को हटाया जब गिरने लगा। किसी ने नारा लगाया, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद गिरा दो। जब तक ध्वस्त नहीं हो गया तब तक यही नारा चलता रहा। उस समय वहाँ की एक मशहूर नेता आई भी लेके संभाल किन्ने के लिए कि नहीं नहीं सब मत करो, खराब हो जाएगा, नहीं कोई माना। उधर आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी की स्पीच चल रही थी, इधर ये सब कार्यक्रम हो रहा था। राजमाता विजय राजे सिंधिया वो दर्शन कर रही थी और उस समय सब कार सेवक ऊपर चढ़ गए गुम्बद पर। अब वो बेचारी महिला सीधी साधी लेकिन हिम्मती, उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम लोग नहीं उतरोगे तो हमको ऊपर आना पड़ेगा। नेतागण मना भी कर रहे थे कि आप लोग ऐसा काम ना कीजिए, लेकिन राम भक्त थे, चूँकि आक्रोश था और उनकी बात को नहीं माने, उनका आग्रह ठुकरा दिए और जिसके हाथ में जो आया उन्होंने उस तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया। किसी ने मुक्के से तो किसी ने भाले से, किसी ने डंडे से उस गुंबद को तोड़ना शुरू किया और मैं कैमरे में सब एक एक स्टेप बाय स्टेप फोटो कैद कर रहा था, वीडियो भी बना रहा था। जब वो टूटने लगी तो मैंने देखा कि अब हम उसको तो नहीं बचा सकते, और सारे अधिकारियों को भी वहाँ पर थे, तो हमने फिर पूरे अयोध्या में कहीं भी दंगा ना होने पाए ये कोशिश की। एक आरा मशीन में जरूर आग लगा दी थी लेकिन वो हम लोगों ने बुझवा दी। 6 दिसंबर को कई हिंसक घटनाएं भी हुई थी वहाँ पर, अयोध्या में कई लोगों पर हमले हुए थे वहाँ पर। 2 घटनाएं हुई, उसमें भी एक हाजी महबूब थे तो वो अपने घर के ऊपर से उन्होंने फायर कर दिया, उसमें कार सेवक की डेथ हो गई और उसकी बॉडी लेके ऊपर चले गए। फिर खुद आके थाना राम जन्मभूमि के जो काउंटर होता है उसमें पीछे छुप के बैठ गए। तो हमने कहा आपने क्यों किया कि सर गुस्सा आ रहा था। हमने गुस्सा आ रहा था तो आप ये नहीं जानते 5 लाख हैं, अब आपका क्या करेंगे लोग। नहीं, एक्चुअली क्या था कि उन्होंने हाजी महबूब साहब के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था, क्योंकि वो अयोध्या में लीडर तब भी थे, आज भी हैं, जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनको लीडर ही पूरा यहाँ का आम मानेगा मानता है। तो उस वक्त उन्होंने अपने डिफेंस में जो उनके पास में थे, बंदूक थे, पिस्टल थे, राइफल थे, जो भी थे उनसे उन्होंने अपनी डिफेंस में गोलियाँ चलाई। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी डिफेंस में इंसान कुछ भी कर सकता है जब उसकी जान पे आएगी, और इस चीज़ की आज़ादी हमको संविधान भी देती है, तो उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद किसी तरह जान बचा करके अपना थाने में जा करके शरण लिया। गुंबद में आसानी से लोग गुंबद में चढ़ करके ऊपर से फिसल के नीचे गिर रहे थे, मर रहे थे, इसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है। ऊपर चढ़ रहे थे सिर्फ उसको गिराने के लिए। मॉब जो फ्रेंजी हुई उसमें अबाउट 451 पीपल इंजर्ड हुए थे और 4 लोग उसके अंदर नीचे दब के मर गए थे। ये चीज़ें कभी हाईलाइट नहीं होती हैं लेकिन ये पुलिस रिकॉर्ड में है कि 4 लोग मर गए, 451 इंजर्ड हुए, 51 वेयर बैडली इंजर्ड।
क्योंकि पवन पांडे जो शिवसेना के तत्कालीन विधायक थे उन्होंने मीर बाकी का पत्थर वहाँ से उखाड़ा था, तो मैंने उनकी तस्वीर खींची थी। वो मुख्य गेट पे लगा था रामलला के दरबार पर, उसमें लगा था कि फरिश्तों को उतरने की जगह है, तो उनको लगा कि बहुत अच्छा साक्ष है उनके पास, तो वो वहाँ से उखाड़ के ले आए थे। यहाँ दिगंबर अखाड़े के पास यहाँ पे एक मंदिर है नारायणाचार्य जी का, वहाँ पे उनकी जीप खड़ी थी, उस पे उन्होंने पत्थर पर रख के फोटो खिंचवाया था, तो हमने वो फोटो खींची थी। दूसरे ढांचे को ढहाते समय हम गुंबद के नीचे आ गए, जो गोल गुंबद था उसके नीचे फंस गए। उसका परिणाम ये हुआ कि 17 हड्डियाँ टूट गई शरीर की। मुझे 1.5 घंटे बाद निकाला गया। ब्रह्मचारी जी ने ही लोगों को बताया कि वो बाहर नहीं है, वो अंदर फंस गया है, निकालो। फिर सब लोग आए, निकाला गया। 22 दिन में कोमा में रहा। थोड़ी बहुत टीयर गैसिंग भी हुई, बट नोबडी वाज स्टॉपिंग। इन फैक्ट देयर वर पीपल ऑन टॉप। वी सॉ दैट होल्स वर बीइंग ड्रिल्ड इनटू द वॉल्स ऑफ द मॉस्क, एंड आफ्टर ड्रिलिंग होल्स इन द वॉल उसमें से रस्सी डाल के पीपल वर पुलिंग दैट वॉल, कि वो सेक्शन गिरेगा तो वॉल गिरेगी, वॉल गिरेगी तो डोम गिरेगा। एंड दैट कैन नॉट हैपन इफ समबडी हैज नॉट प्रैक्टिस्ड इट। कैन यू इमेजिन कि अगर प्लानिंग होती तो 451 घायल होते, 51 बैडली इंजर्ड थे, 4 मर जाते। मुझे कोई इसमें संदेह नहीं कि जो लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने जोश में गिरा दिया, नहीं, कारण कि कोई ना कोई ट्रेनिंग थी, क्योंकि वो नीचे से उसको गिरा रहे थे, ऊपर से तोड़ना शुरू करते तो धीरे धीरे टूटती रहती। वेपन क्या वो साहब, गो कौन बेलचा ये सब थे, फावड़ा वगैरह, ये वेपन थोड़ी है, ये तो उससे तोड़ रहे थे उससे। फावड़ा मांगने घूमो तो आपको मोहल्ले में ढूंढना पड़ेगा कहाँ किसके यहाँ फावड़ा है, वहाँ तो सैकड़ों थे, सैकड़ों। नहीं, पहले से कोई विचार नहीं था कि इसको तोड़ दिया जाएगा। कार सेवक तो 28 से पहुंचना शुरू हो गए थे, उनको इंगेज रखना था, तो इन लोगों ने क्या किया था कि लक्ष्मण टीला में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क लगा दिए, तंबू लगाने के लिए सब गहती वहती सब खरीद के आए थे। तंबू कार सेवक पुरम बनाया गया था, जिसमें कार सेवक पुरम में करीब कई 100 टेंट लगाए गए थे, तो उन टेंट उंट के लिए सारी गहती वहती फैजाबाद से खरीदा गया था। वो CBI ने केस में फाइल किया है, इसमें कोई वो नहीं है, रस्सा खरीदा गया था। तो वो 28 से ही वो लोग वहाँ पर एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उनको डाइवर्ट करने के लिए लक्ष्मण टीला को बराबर करो, ठीक ठाक करो, सफाई करो, तो ये सब सारे थे। लेकिन वो कहती हुई थी जितना था वो इतना सफिशियंट नहीं था कि तुरंत ले आ करके उसको तोड़ देते। वही कहती हुई थी जितने भी टेंट लगाने में लगाए गए थे वही यूज़ किए गए। लक्ष्मण किला वहाँ पर कुछ लोगों ने अपना चढ़ाई की उतरी ऐसा किया, नौजवान लड़के थे, कौन रोके। ढांचे को तोड़ने के लिए कांटे बनवाए गए थे, फेंका जाएगा तो फंस जाएगा, तो उसके सहारे चढ़ेंगे। कुछ बगल में दीवार थी, एक बड़ा नीम का पेड़ था, उससे चढ़ना था। ये सारी तैयारियां पूर्व में योजनाबद्ध थी, तो हमने 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, 1000 गैंती, 1000 घन मांगे थे, और 500 सब्बल तोड़ने के लिए, इतना 5000 चाहिए, रस्से चाहिए। तलवारों का उद्देश्य था किसी को मारना ही था। 17 टीमें बनाई गई थी। महाराज जी ने बताया था, ब्रह्मचारी जी ने, कि तलवारें भीड़ में म्यान से साए से खींचिएगा, सब लोग आगे आगे जो चल रहे होंगे तो भगदड़ मच जाएगी, लोग भागेंगे। फिर त्रिशूल वाले सबको हटाते चलेंगे। ढांचे के पास सबसे ज़्यादा ज़रूरत सब्बल और गैंती वाले की है, फिर रस्से वाले की है। हम लोगों ने वही किया। लोग बेलचा, कुदाली, बल्लम ऐसी चीज़ें लेकर के, रस्सियाँ लेकर के अंदर घुसते दिखाई देते हैं, एंड देन द अटैक ऑन मीडिया हैपेंस।